ऑलराइट गाइस, लेट्स मीट सम ऑनेस्ट पीपल ऑफ दिस वीक। सबसे पहले तो वो ऑनेस्ट लोग जिन्होंने आदि पुरुष देखी थी, ये था ऑनेस्ट रिएक्शन। पता नहीं क्या पागलपंती बना रखी है, तो बस लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मूवी यहाँ पे दिखा रहे हैं। जो डायलॉग राइटर है आदि पुरुष के, मिस्टर मनोज मुंतशिर, उन्होंने कहा कि ये डायलॉग मैंने अपनी दादी से इंस्पायर होकर लिखी है। या ही सेड दैट, हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। एंड आफ्टर दैट ऑनेस्ट रिएक्शन ऑफ हिज दादी। दादी सारे मिलके हमको पागल बना रहे। लीव दैट, लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। ऑनेस्ट वोटर, आई विल शो यू। आई ऑलवेज सेड दैट द फ्री बीस कल्चर इज पैथेटिक। नो पार्टी शुड डू दिस। कोई भी पार्टी करे, बीजेपी कांग्रेस आप कोई भी करे, फ्री बीस नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये तो वोट खरीदने वाली बात होती है और यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। पूछा क्या करोगे इसका? क्यों धन्यवाद की बात तो 1000 रुपया ले लिया। 1000 रुपया। एंड दिस साइक्लोन बिपरजॉय, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मच ऑफ कैओस। गुजरात के कच्छ से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब दक्षिण राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। इस रिपोर्टर के बारे में हम काफी बात कर ही चुके हैं। लैंडफॉल होगा तो यहाँ की क्या देखे क्या होगा। लेकिन अब एक ऑनेस्ट बंदा दिखाता हूँ, वो डूब के आपको बताएगा कितनी गहराई है। समंदर इतना गहरा है कि मेरा कैमरामैन आपको बताएगा। वी कैन से दिस नॉट रिक्वायर्ड ऑनेस्ट रिपोर्टिंग। अब देखते रहे कि ये गहरा। डिस्गस्टिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। एंड आल्सो वन ऑनेस्ट रिएक्शन, इट्स रियली रॉन्ग बट इट वॉज दैट ऑनेस्ट। चूतिया है क्या तुम्हारे सामने, क्या बात मैं कर रहा हूँ। इसके बारे में और बात करेंगे, पर जब ये चल रहा था, ही वॉज इंट्रोड्यूसिंग समवन, दैट वॉज द रियल ऑनेस्ट रिएक्शन। ये प्रधान जी को पहचानती है, इनको पहचानती है, इन्हीं पानी पहुँचाना है। ही वॉज लाइक कितना अच्छा काम कर रहे हैं, पहचानते हैं ना। एंड जवाब वॉज लाइक दिस। सब जानते हैं लुच्चा एक नंबर का। व्हाट एन ऑनेस्ट रिएक्शन। एंड बिफोर आई गो, लेट मी शो यू सम ऑनेस्ट रोजगार हियर। हमेशा हम लोग कहते हैं ना कि इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे, पर हाँ यहाँ पे किसी ने बहुत बढ़िया काम किया है। इट इज फ्रॉम अनंतनाग, जम्मू एंड कश्मीर। जो प्लास्टिक टेक गोल्ड अभियान जो हमने यहाँ चलाया, उस अभियान के तहत आप ये खुद देख सकते हैं कि ये पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। At least those people who don't have jobs, they can clean the area and get something in return. Yeah, it's a good idea. इससे जब लोगों को ये पता चला कि लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई, अब ये है कि तकरीबन हमारा गांव जो है बहुत मतलब फर्क पड़ा इसमें, लोग जुड़ना आहिस्ता आहिस्ता इसमें स्टार्ट हो। क्लीनलीनेस को लेकर कितना बढ़िया आइडिया। फिर मैंने इनको बोला कि आप, इन्होंने कहा कि इसके बीच में हम सोना देंगे। फिर मैंने इनको फिर बोला कि चलो इसमें वो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं अपने महर में से फर्स्ट 2 कॉइन जो है वो आपको डोनेट करूंगी। इट्स लाइक यू गिव अस द गार्बेज एंड वी विल गिव यू द गोल्ड। ये आइडिया अच्छा है, कम से कम थोड़ी बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। अच्छी, वैसे बेरोजगार होना भी कोई मतलब आसान काम नहीं, उसके लिए भी आपको कुछ होना पड़ता है। मतलब पढ़ा लिखा। अच्छा, या यू हैव टू स्टडी एंड चेक आउट दिस वीडियो। पानीपत का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज। ये एक ऑनेस्ट टीचर है जो अपना काम ईमानदारी से करी, लोग खामखा ट्रोल कर रहे हैं। हाँ तो मैडम क्या हुआ था आप बताइए, आप मुझे बताइए। और मोहम्मद गौरी, और एक सेकंड। ओहो, मुझे डाउट है इसमें, थोड़ा सा डाउट है, एक सेकंड रुकना। कुछ गलती कर रही हो? मुझे लग ही रहा था डाउट है। ये किसके बीच में हुआ था, हेमू और गौरी? अच्छा। और जीत किसकी हुई थी, सॉरी लोधी। एक मिनट, और जीत किसकी हुई थी, हेमू की हुई थी। अभी भी श्योर हो आप? ये युद्ध हेमू के बीच में हुआ, सॉरी अकबर, हेमू और अकबर था, लोधी तो सेकंड में था शायद। अच्छा, सी शी इज सो ऑनेस्ट एंड इट वेंट ऑन एंड ऑन। थर्ड में था, ठीक है, हेमू और अकबर के बीच में हुई थी, और अकबर जैसे राजा। इसका मतलब है तो करना।